न्यूज़ ऑल इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासत अब दिन पे दिन और ज्यादा होती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है तो योगी आदित्यनाथ के लिए लखीमपुर खीरी का मामला भी भले ही किसानों से शुरू हुआ हो लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की एंट्री के साथ ही पेचीदा होता जा रहा है। अगर आरोपियों में से एक आशीष मिश्रा केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री का बेटा नहीं होता तो कब का ये मामला रफा दफा हो चुका होता, क्योंकि विपक्ष को भी हल्ला बोलने का अब मसाला आसानी से उपलब्ध हो गया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर आज विरोध में आज महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों ने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। पूरे महाराष्ट्र में आज लखीमपुर की हिंसा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आज यूपी में कांग्रेस के कई नेताओं ने मौन उपवास भी रखा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बंद के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई, बसों, निजी वाहनों पर पथराव हुआ, साथ ही यातायात को रोकने के लिए सड़कों पर टायर जलाने जैसी घटनाओं की वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो गया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आज महाराष्ट्र बंद में क्या कुछ सुबह से हुआ। आपको बता दें कि सुबह से ही राज्य की राजधानी मुंबई में बंद का असर पूरी तरह से देखने के लिए मिल रहा था। वहां पर सड़कें सुनसान रही और कई मुख्य बाजार भी बंद रहे। साथ ही महाविकास अघाड़ी के बंद को भाकपा, सीपीएम, ट्रेड यूनियनों, किसान समूहों, छात्रों, महिलाओं और अन्य समूहों ने अपना पूरा समर्थन दिया था। वहीं बंद के दौरान किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। बंद के दौरान शहर की जीवन रेखा बेस्ट सेवाएं सड़कों से ही दूर रहीं। वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर हर बीते दिन सरकार के खिलाफ विरोध जो है वो और ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आम जनता सरकार से परेशान है, वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की इस पूरी हिंसा को लेकर आज कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने, प्रियंका गांधी सहित तमाम नेताओं ने मौन उपवास भी रखा। साथ ही आपको बता दें कि आज कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी भी हुई, साथ ही 14 दिन की वो हिरासत में भी जा सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत को लेकर भी अर्जी दी गई थी, वहीं पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी, ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान हो, विपक्ष हो, हर कोई अजय मिश्रा का इस्तीफा चाह रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफे की मांग सब जगह की जा रही है। किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तो 18 अक्टूबर को महापंचायत राकेश टिकैत ने करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस महापंचायत को लेकर पूरी तरह से यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है और अभी से पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई दूसरी अप्रिय घटना ना हो सके। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज महाराष्ट्र में जिस तरह से यह बंद का ऐलान किया गया, इस पूरी घटना को लेकर उधर पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। वहीं उपनगरीय ट्रेनों सामान्य रूप से काम करती भी दिखी, हालांकि कम यात्री भाग के साथ और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई थी। वहीं महाराष्ट्र पुलिस और अन्य सभी सुरक्षा बलों ने राज्य भर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त तैनात किया और गृह राज्य मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने विघटनकारी कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर शिवसेना के संजय राउत, किशोर तिवारी, राकंपा और जयंत पाटिल, नवाब मलिक, कांग्रेस के नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, भाई जगताप और अन्य शीर्ष नेताओं ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकारों के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए और बंद का नेतृत्व भी किया। अब ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासत की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 2022 के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं, इसीलिए विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस अभी तक चुनावी मैदान में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही थी, अब वो कांग्रेस पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रही है और पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि लगातार 3 अक्टूबर को जब इस घटना को अंजाम दिया गया, इस हिंसा ये हुई, तब से ही कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में प्रियंका गांधी जिस तरह से पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं, प्रियंका गांधी को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं।
तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि लगातार इस पूरी घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लखीमपुर खीरी की हिंसा जो हुई उसका सच आखिरकार है क्या। तो ऐसे में तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। वहीं श्रवण पांडे युवा किसान है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। लगातार आपकी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, विपक्ष आपको घेर रहा है, क्या ये क्या कुछ हो रहा है और क्यों इसको आशीष को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है? हमें क्या है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं उनके दिमाग में बराबर ये रहता है कि जब सत्ता पक्ष को घेरना हो तो सत्ता पक्ष को घेरने का सबसे सुंदर एलिगेशन है कि कहिए कि सत्ता पक्ष बचाने की किसी को कोशिश कर रहा है। सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार चाहती है कि ईमानदारी से जांच हो, जो गलत लोग हैं उनकी जगह जेल है वो जेल में रहें, क्योंकि इस तरह की घटना किसी भी प्रदेश को शर्मसार करती है। देखिए, दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो लोग ये विषय को उठा रहे हैं, गांधी जी के मानने वाले लोग हैं। गांधी जी के तीन बंदर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। आज वो लोग बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं और बुरा कह रहे हैं। उन्होंने इसी को आधार अपना बना लिया है कि जो भी विषय आएगा, जो भी पक्ष उन्हें रखना है, दूसरे में बुराई ढूंढनी, उनके पास कोई समाधान नहीं। कांग्रेस पार्टी अपना ऑक्सीजन तलाश रही इस देश के अंदर कि उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जिसके वजह से उसकी खोई हुई जो अस्मिता है, वो कल तक उत्तर प्रदेश पूरे देश में राज करने वाली पार्टी थी, आज हाशिए पे। लेकिन संदीप जी कांग्रेस को भी तो मौका आप ही लोग दे रहे हैं, आप ही की पार्टी कांग्रेस को मौका दे रही है। नहीं, इस तरह कम से कम मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि पूरा देश उनको देख रहा है और वो जो भी ये इस तरह के काम कर रहे हैं कोई उन्हें सराहना नहीं मिल रहा, और उनका वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं। जी चलिए ठीक है संदीप जी, इस वक्त संदीप जी आऊंगी आपके पास। कांग्रेस नेता जावेद खान भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। जावेद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जावेद जी, देखिए इस पूरी घटना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान भी किया गया है, ऊपर से आज उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में कई तमाम प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस नेता मौन व्रत पर हैं, इन सब से क्या कुछ होगा, क्या मिलेगा कांग्रेस को ये कर? एक विपक्षी राजनीतिक दल का काम क्या है जरा ये आप हमें बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी बात ये है, जावेद जी आपका काम ठीक है, ये समझ आता है आपका काम ये है, लेकिन किसी की मौत पर तो राजनीति करना आपका काम नहीं होगा। नहीं, किसी की मौत होगी और उसके साथ अन्याय होगा, पीड़ित के पक्ष को नहीं सुना जाएगा, जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी, 302 और 120 बी जैसी गंभीर धाराएं जो फांसी के तख्ते तक 120 भी ले जाती है, उसमें नामजद होने के बाद भी कार्रवाई पर ढीला ढाली और हीला हवाली की जाएगी, और उसके बाद बताया जाएगा राजनीति है। हाथरस में बेटी को कलंकित करने का प्रयास मरने के बाद किया जाएगा, उसका मौत के बाद चरित्र हनन किया जाएगा, आरोपियों को बचाने का काम किया जाएगा, और प्रियंका जी अगर जाएंगी वहां पर तो आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे, हिरासत में लेंगे, तो ऐसी राजनीति तो करेंगे हम, और निश्चित रूप से करेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसी राजनीति के लिए पैदा हुए हैं कि जहां पर अन्याय होगा कांग्रेस वहां पर न्याय के लिए खड़ी होगी। तो जावेद जी, यानी कि अगर आप इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या किसी को न्याय नहीं मिलेगा? कहां मिल रहा है आप बताइए? गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना किसने की? पुलिस ने की, योगी जी की पुलिस ने की, और चुनाव का समय ना होता तो संभवतः वो आईपीएस पाटीदार की तरह ये सब आज भी फरार चल रहे होते। जावेद जी गोरखपुर वाले कांड में दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है, साथ ही मनीष की पत्नी को नौकरी भी दे दी गई है। नहीं, मुझे भी मालूम है, मेरी बात तो आप सुनेंगी ना, आपको बौखलाहट हो गई, क्या बात है? मुझे बौखलाहट नहीं हुई है जावेद जी, मुझे बौखलाहट नहीं हुई है। बात नहीं करना, नहीं, अभी बीजेपी बोल रही थी तो आप कहीं से नहीं कर रही थी, कांग्रेस बोल। देखिए, सवाल आपसे भी होगा, सवाल बीजेपी से भी होगा। नहीं, जो सवाल है उसको आप जवाब सुनिए, उसके बाद आप दूसरा सवाल कीजिए। जी बोलिए। किसी को बोलने ना दे तो मैं ऐसी डिबेट में भाग लेना
क्षमा कीजिएगा, मैं पसंद नहीं करता हूँ। बोलिए जावेद जी। नहीं नहीं, मैं आई टी डिबेट में बीजेपी के एडवाइजरी लेकर बीजेपी के प्रवक्ता और दो तीन बीजेपी के पत्रकारों को बैठा कर आप डिबेट कर लीजिए, वो ज्यादा उचित है। आपको पता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं होगा, 2002 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हीं अजय मिश्रा चेनी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। ये याद है कि नहीं याद है? नहीं याद होगा। या तो अब आप भाजपा का है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अजय मिश्रा चेनी पर गलत आरोप लगाए थे? आईटीएफ पाटीदार आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? किसका उसके ऊपर हाथ है? एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहा था। कानपुर में सुजीत यादव का अपहरण हुआ, पुलिस के अधिकारियों ने उसका मकान भी गुवा दिया इस बात के लिए कि अपहरणकर्ताओं को रंगदारी देकर तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। ना भाई मिला बचा और ना उसकी संपत्ति की। कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की इस योगी के शासन में? प्रयागराज में निषाद राज पर किस तरीके से हमला हुआ? गाँव में पुलिस का तांडव हुआ, नाव तोड़ी गई, क्या इंसाफ मिला? उम्भा में क्या हुआ था? अगर प्रियंका उन्नाव में भी बीजेपी के विधायक को बचाने के लिए क्या क्या जतन उत्तर प्रदेश के शासन ने नहीं किया? अगर प्रियंका जी नहीं उतरी होती तो क्या न्याय हो पाता? क्या आरोपी जेल के पीछे जा पाते? आप इस पर भी तो गौर कीजिए। क्या संदीप जी जवाब देंगे कुछ जावेद जी की बात? न्याय होते हुए हम देखते रहे। संदीप जी बोलिए। जावेद जी की साफ साफ बौखलाहट है और बातों में इतनी लड़खड़ाहट है कि उनको पता ही नहीं है कि इस देश में कानून है और कानून अपना काम करता है। या उनकी सरकार हो हमारी सरकार हो, हम उनके राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जहां जहां सरकारें हैं उनकी आलोचना तो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि देश आईपीसी सीआरपी से चलता है और कोई भी व्यक्ति जुर्म करेंगे, इवन आप जुर्म करेंगे तो आपको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जितना बड़ा जुर्म होगा उतना बड़ा सजा मिलेगा, इसका कोर्ट फैसला करता है। ये लोगों में आप एक नया प्रिडिक्शन तैयार कर रहे हैं कि सजा देने का काम योगी जी करते हैं, सजा देने का काम मोदी जी करते हैं, सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, सजा देने का काम सोनिया गांधी जी करती हैं, सजा देने का काम इंदिरा गांधी जी करती थी। तो इस तरह का जो प्रिडिक्शन कांग्रेस तैयार करती है इस देश के अंदर, कांग्रेस ये बराबर भूल जाती है कि उसको ठेकेदारी किसानों का किसने दिया है? किसान नेता तो उसको अपना ठेकेदार मानते नहीं कि किसान हित के काम कांग्रेस ने किया। आजादी के बाद अब तक किसान किसी की भी सरकार रही हो, इवन मेरी भी सरकार रही हो, किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हुई। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोशिश करने की कोशिश करी कि भाई उनकी आय दुगुनी करी जाए और उनकी आमदनी बढ़े, तो क्योंकि गरीब बनाओ और राज करो की नीति पे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां काम कर रही, इसलिए किसानों को अमीर नहीं होने देंगे, किसानों के लिए कोई काम नहीं करेंगी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ श्रीमान मूर्धन्य कांग्रेस के नेताजी से कि 1991 में याराना पूंजीवाद आया भारत में, पूरे विश्व से आदान प्रदान व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जोर दिया गया, उसके बाद आज तक किसानों के ऊपर क्यों नहीं दृष्टि गई कांग्रेस की? किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? कंप्यूटर युग आ गया, हर क्षेत्र में बदलाव हुए, आज इंटरनेट की दुनिया में बैठ के बात करें एक भी विकास का माध्यम, लेकिन आपने किसानों के लिए क्यों नहीं सोचा? और जो किसानों के लिए सोच रहा वो दुश्मन है। और आप एक और बात, वो चार लोग और मारे गए हैं लाठियों से पीट पीट के, वो पंडित जी लोग का परिवार है, वहां भी तो देखने चले जाते, सबको समान अवसर मिलता, समान तरीके से बात करते। तो इस तरह की जो आपकी कहने की जो तर्क है वो तर्क कांग्रेस की गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस विषय पे जो भी राजनीति कर रही है वो हाशिए पे थी, इससे और हाशिए पे चली जाएगी, उसका जो बचा कुचा जो भी जनाधार था वो भी खत्म हो जाएगा। और ये लोग इस तरह की बात कह कह के जो जनता को गुमराह कर रहे, जनता देख रही है, जनता जब वोट आएगी राजनीति चुनाव का समय आएगा आप देखिएगा इनसे गिन गिन के बदला लेगी, क्योंकि ये लोग किसी के ही तैसी नहीं है, ये कुर्सी के ही तैसी है और कुर्सी के बगैर ये रह नहीं सकते। उनका काम भी तो आप ही के पार्टी के नेता और आप ही की पुलिस देती है कांग्रेस को इस तरह की राजनीति करने का। नहीं नहीं, हमने किसी को मौका नहीं दिया। देखिए आप संदीप जी, जब आपके नेता इस तरह की हरकत करेंगे, आपकी पुलिस किसी को भी जाके होटल में पीट पीट कर मार देगी, तो कांग्रेस को क्या मौका नहीं मिलेगा?
देखिए पुलिस मार दी उसको अरेस्ट कर, देखिए गलत काम करने वालों की जगह जो सजा है वो तो कानून मुकर्रर करेगा ना, मैं और आप थोड़ी मुकर्रर करेंगे, ये सरकार मुकर्रर करती है, उसके लिए पूरी न्यायपालिका है और न्यायपालिका भारत की इंडिपेंडेंट है। और पुलिस वाले भी अगर गलत काम करेंगे या किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो एक न्यायप्रिय राजा या न्यायप्रिय व्यक्ति यही कहेगा कि उसको उसके गलत की सजा मिलनी चाहिए। तो गलत की सजा कौन देगा? कोर्ट देगी, कोर्ट तय करेगी। हमने उनको पकड़ा है, जो लोग भी गलत हैं दोषी हैं उनको पकड़ पकड़ के पुलिस बेहतर काम कर रही है। और इस सभी विषयों पे मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक इस तरह का विषय नहीं है क्योंकि घिन आने लगे, क्योंकि इससे राजनीतिक व्यक्ति गिद्ध की तरह दिखता है और आम जनमानस में नेताओं के प्रति क्षोभ प्रकट होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सरकार में बैठे लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन पुलिस वालों को, उन आईओ को जिसने बेहतर इन्वेस्टिगेशन किया है उसको तो थैंक्स और धन्यवाद देना चाहिए कि वो कम से कम इस तरह की व्यवस्था बनाए कि दंगा देश में नहीं हो पाया, वो इस तरह की व्यवस्था बनाए कि वहां बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था कायम है, FIR दर्ज हो गई है, कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। तो हमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सुपर हीरो हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए। कांग्रेस को ये सब नहीं दिखता, कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी दिख रही है। और कांग्रेस की सही मायनों में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, उनका कंपटीशन अखिलेश जी से है, मायावती जी से है, और भी वो ओवैसी साहब आए हैं कोई उनसे है, क्योंकि ये सारे कांग्रेस के वोट बैंक है जिनको लेके वो लोग बैठे हुए हैं। झूठ फूट कामों का हम लोग पे गुस्सा है, बीजेपी से नहीं है। देखिए किससे किसका कंपटीशन है, संदीप जी ने जो जो बातें कही है, मैं कांग्रेस के एक अधिकृत और जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में आपसे कह रहा हूँ। और लिखा पढ़ी में है, अगर संदीप जी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं तो उनको मालूम होगा जिस समय कोरोना, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मैं ऐसे अमर्यादित शब्द इस्तेमाल नहीं करता, जिस समय कोरोना काल था और उस समय जब अध्यादेश के रूप में इस कृषि कानून को लाया गया था, उसका सबसे पहला विरोध, संदीप जी नोट कर लीजिए अगर याद ना हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने किया था, उसके राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बद्री नारायण जी, नाम भी नोट कर लीजिए, उन्होंने विरोध में देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और लगातार जो है उसका विरोध किया। उसके बाद मोहन भागवत जी के कहने पर भारतीय किसान संघ खामोश हुआ, लेकिन अभी 1.5 महीने पहले उसका फिर बयान आया था कि किसानों को कृषि लागत, उसकी उपज का मूल उसको तो भुगतान करना ही पड़ेगा, आज की सरकार करे या कल आने वाली सरकार करे। तो इससे डबल स्टैंडर्ड तो इनका इस तरीके से समझ में आ जाता है, किसको किसने ठेका दिया है, जिस भारत के संविधान ने और संविधान के पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ने आपको सत्ता में आने का अधिकार दिया है, वही संविधान एक विपक्ष के रूप में, विपक्षी दल के रूप में हमें ये अधिकार देता है कि देश में जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जो भी अन्याय है, ठीक है जावेद जी, है उसके विरुद्ध, अब जरा सुन लीजिए आप, जावेद जी आऊंगी, देखिए संदीप जी ने लंबा लेक्चर दिया, अब आप उसको सुन लीजिए, ठेका कौन किसको देता है, ये कौन लोग हैं, इनको अपने ही इतिहास के बारे में पता नहीं, ये कश्मीर कश्मीर बड़ा राग अलापते हैं, कश्मीर में फिर दुखद घटना होगी, देखिए उसके पीछे कौन था, 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जनता दल की बीपी सिंह की सरकार केंद्र में पदासीन थी, उसी 90 में भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को सहयोग दे रही थी उसके कार्यकाल में कश्मीरी ब्राह्मणों का वो कत्लेआम हुआ, मंदिरों का वो ध्वंस हुआ और इनके नेताओं से एक शब्द मुंह का नहीं निकला, पाकिस्तान अपने दुर्दांत आतंकी मसूद अजहर को इंडिया में भेजा, कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया और भाजपा की सरकार ने चांदी की तस्करी में उसको अफगानिस्तान के मार्फत पाकिस्तान के हवाले करने का काम, जसवंत सिंह जी उस समय स्वर्गीय है, उस समय विदेश मंत्री थी, लेकर गए थे, ये जो आरोप है, पत्थरबाजों को समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार ये चलाए, कश्मीर में 7 साल में 7 ब्राह्मणों का अगर पुनर्वास इन्होंने किया हो, मैं चुनौती देता हूं तो आप मुझसे बात कीजिएगा, आप केवल राजनीति करेंगे, आप गलत बयानी करेंगे, दूसरे को आरोपित करेंगे, अरे आशीष मिश्रा के बेटे, आशीष मिश्रा ने अपने पिता की प्रेरणा से
जाते हुए किसानों के पीछे से उनकी पीठ के पीछे गाड़ी चढ़ाने का काम किया। क्या कहा था आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा सैनी ने, क्या कहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1-1 हजार लाख तैयार करो। ये सत्ता की भाषा होती है क्या? योगी जी ठोकर नीति पर अमल करते, न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर नैतिक बल होता तो आईपीएस पाटीदार आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? इंद्रकांत शुक्ला का हत्यारा है वो, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? ये जो कल गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई मनीष गुप्ता कांड में, ये किस तरीके से हुई, कैसे हुई? ये प्रायोजित गिरफ्तारी है जाती हुई सरकार की अपनी क्षति को बढ़ाने की। चलिए ठीक है, ठीक है जावेद जी, जो भी बातें कही संदीप जी से जवाब लेंगे, लेकिन बहुत देर से युवा किसान श्रवण पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण पांडे, आपसे जानना चाहूंगी, आप जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर किसान और राकेश टिकैत पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, आज जो महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया उसे भी किसानों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन क्या इन सब से आपको फायदा मिलेगा? क्या जिस न्याय की बात कहकर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, क्या उस न्याय, इस तरह से आप लोगों को न्याय मिलेगा? क्या उन किसान परिवारों को न्याय मिलेगा इस तरह से? प्रधान में आप देख रहे होंगे किसान 11 महीने से आंदोलनरत है, जो कि हम तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और दिल्ली के चारों चौखटों पे हम किसान आंदोलनरत हैं। आप बताइए किसान नरसंहार जो लखीमपुर में होता है, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में महोत्सव मनाते हैं, अमृत महोत्सव। आखिर बताइए, देश में किसान 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और लखीमपुर में किसानों को रौंदने का काम किया गया। आखिर ऐसी कौन सी सरकार में, या अंग्रेजों की सरकार रही हो, या इस समय मौजूदा तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या मुगलों के शासनकाल में, आप बताइए ऐसा कोई क्रूर शासन रहा हो जिसमें अगर आंदोलन को ना कुचल पाए आप तो किसानों को रोकने का काम करें? क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, किसानों पे नहीं होगा अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, आप बताइए वही भारतीय जनता पार्टी किसानों पे अत्याचार कर रही है, किसानों को रोकने का काम कर रही है? क्या यही उत्तर प्रदेश की ठोको नीति है? उत्तर प्रदेश में यही योगी आदित्यनाथ जी की ठोको नीति है? जो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोग और सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे अगर अपराधी कोई निकला। उसके बीजेपी के मंत्री जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर अभी वो पद पर, इतनी गर्मी पद पर आखिर क्यों बैठे हुए हैं जो किसानों को रौंदने का काम किया? आखिर सत्ता के गोडसे को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि गांधी के थे बंदर तीन, इन्होंने तो गोडसे प्रवृत्ति का काम किया है। ऐसी देश में ये बहुत ही बड़ा नरसंहार है, क्योंकि किसानों को रोकने का काम किया हम, आज जो महाराष्ट्र में हमारा भारत बंद का वो हुआ राकेश टिकैत सर ने, जो ये है कि देश में आमाहन है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है पूर्णता, क्योंकि मौजूदा सरकार पूरी तरह डिक्टेटर। लेकिन श्रवण पांडे जी, श्रवण जी, ये जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, इस जन आंदोलन से देखिए फायदा तो किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से जांच होगी और जितना समय लगेगा वो उतना लगेगा ही। आप चाहे जन आंदोलन कर लीजिए, चाहे रेल रोको आंदोलन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, जांच में जितना समय लगना है लगेगा ही। परेशान आखिरकार आम जनता को ही आप लोग कर रहे हैं। आम जनता कहीं नहीं परेशान हो रही है, आप गाजीपुर बॉर्डर पे आइए, आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे किसान दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठा हुआ है। इस देश में संविधान है, आर्टिकल 19 कहता है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो विरोध प्रदर्शन करेगा, जो सत्ता से सवाल पूछेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, अगर कोई विरोध कर प्रदर्शन करेगा तो उसको रौंदने का काम किया जाएगा। देखिए बौखलाहट आ गई, तुरंत झुंझुनाहट आ गई संदीप जी के अंदर, क्योंकि परेशान हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप बताइए, क्योंकि इनको सुनने की क्षमता नहीं है, ये सुनना चाहते ही नहीं है। जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता परेशान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल करूंगी आपसे। आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, वहां पर कई जगह पथराव की घटना भी हुई, पथराव हुआ बसों पर, निजी वाहनों पर, फिर ये क्या है? अगर जनता परेशान नहीं हो रही, आप कभी भी रास्ता रोक देते हैं, ऑफिस लोग समय से नहीं पहुंच पाते, जाम लग जाता है रास्तों में, अगर ठीक है लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसानों की जान गई, तो 4 बीजेपी नेताओं की भी जान, कार्यकर्ताओं की भी जान गई थी, तो क्या वहां पे भी तो किसानों का उपद्रव देखा गया था?
देखिए इस जो संगठन आरएसएस जैसे संगठन हुए, बजरंग दल से संगठन, ये बीच में हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करते हैं, हमें किसानों को बदनाम करने का, आप बताइए। यही देश का किसान पहले दिन से गाजीपुर पे पानी की बौछारों से, कीलतन से, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। आखिर भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के किसानों को खालिस्तानी कहा जाएगा? भारत के किसानों को पाकिस्तानी? क्या भारत के किसान इस तरह की हरकत भी करेंगे क्या श्रवण जी, जो किया जा रहा है लखीमपुर में किया गया? देखिए किसान ने कोई हरकत नहीं थी, वही कहते भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है, पहले दिन से ही ये बदनाम करने की कोशिश कर रही, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। जिन किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा, वो कौन थे अगर किसान नहीं थे तो? सब जो रोदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, आखिर 6 दिन बाद गिरफ्तारी होती है, वही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का। आप मान रहे हैं, आप क्या मानेंगे इस बात को कि वो किसान नहीं थे? आप मान रहे हैं क्या वो किसान नहीं थे? किसानों ने कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा? किसानों ने कोई उपद्रव नहीं किया है, क्योंकि किसानों ने अगर उपद्रव किया तो होता कौन थे फिर तो शायद वहां कुछ किसान, वही भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस प्रवृत्ति के लोग वही लोग थे, क्योंकि ये दंगा कराना चाहते हैं, वहां हिंदू और सिख का दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम, यानी मुस्लिम कि हिंदू, किसान कुछ नहीं कर रहे, किसान एकदम सही है, किसान कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि आप बताइए, अगर किसान सही नहीं होता तो आज 11 महीने से हमारा इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा है, ये सरकार की जो नीतियां हैं, जो कोरोना काल में सरकार तीनों काले कानून लाई थी, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, और ये सरकार लेकिन गुमराह करके ये दंगा करा के चलती। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तभी सरकार को हिंदू याद आता है, बंगाल अब चुनाव खत्म हो गया, अब हिंदू खतरे में नहीं है, ये मॉब लिंचिंग तभी खबरें आती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ो की राजनीति करती है और देश का किसान जोड़ो की राजनीति करते हैं। हम लड़ेंगे, न रुके हैं न झुके हैं, और डटे रहेंगे और हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जो डिक्टेटरशिप की सरकार है, इसको झुकाने का काम किया जाएगा, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है, ये 137 करोड़ जनता को अन्न देने का काम करता है। अगर अन्नदाता के खिलाफ कोई भी सरकार षड्यंत्र रचेगी तो उसको देश का किसान या देश की जनता नहीं सहेगी। चलिए ठीक है, ठीक है श्रवण जी। संदीप जी बोलिए, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मैं अपने प्रिय श्रवण भाई को कहूंगा कि वो काफी अच्छा बोलते हैं, जिस भी पक्ष के पक्षकार हैं वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार दो चीज भूल जाते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सब लोग को मिलकर बेहतर करने की आवश्यकता है। कोई भी किसी को मारता है, पीटता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो मुझे नहीं लगता कि श्रवण भाई उसको अच्छा मानेंगे। और कोई भी किसी को पीटे, इंसान इंसान को मारे, इंसान इंसान के साथ द्वेष करे, इंसान इंसान के साथ भेद करे, भेदभाव रखे, तो श्रवण भाई को अगर ये अच्छा लग रहा है ऐसा, देखिए हम किसी को दोष देते हैं, दोष देने के बजाय जरूरी है कि हम स्वयं में सुधार करें। आपको सरकार में लगता है कोई कमी है तो सरकार अपने में सुधार करे, किसान आंदोलन में अगर कोई आपको कमी दिख रही है तो आप लोग स्वयं किसान आंदोलन में सुधार करें, ताकि सशक्त होगा राष्ट्र, अपने स्वयं के सुधार से सशक्त होगा, न कि दूसरे को गाली देने से। देखिए कुछ लोगों को मोदी जी नहीं पसंद है, तो अगर नहीं पसंद है और इस वजह से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी कुछ भी करेंगे उसको गाली देंगे, उसको आंदोलन बनाएंगे, सत्ता में आने के लिए कोशिश करेंगे, तो जनता वो को वोट देना है, जनता को बरगला के तो वोट आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो सदियों से जिनके घर में अंधेरा था उनके घर में उजाला पहुंचाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। लोगों को योजनाओं का पैसा नहीं मिलता था, कांग्रेस के मित्र हमारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जावेद भाई याद होगा उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं योजनाओं के धन, और आज जो है योजनाओं के धन गरीबों के पास पहुंच रहे हैं। देखिए श्रवण भाई, देखिए देश में विभिन्न विचारधारा हो सकती है, हमारे और आपके सोचने में असमानता हो सकती है, आप जिस विषय को कृषि कानून के लिए कहते हैं कृषि कानून गलत है, हो सकता है कि आपके लिए सही हो। आपको शायद याद होगा कि हम लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन संदीप जी, संदीप पार्टी जी विपक्ष में थी, हम बैलगाड़ी लेके संसद के अंदर चले गए थे। आज उसी कंप्यूटर का दिन है राजीव जी का, कि हम सब लोग बैठ के कहीं कहीं से बैठे हुए हैं, और संदीप जी, संदीप जी, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के मिलजुल कर इसका कोई समाधान निकाल लिया जाए? क्योंकि देखिए आपके लिए भी बहुत चुनौती है बड़ी, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किसान भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है, और आए दिन इस तरह की अगर हिंसा होगी, इस तरह से लोगों की जान जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि बैठ के कुछ ना कुछ समाधान इसका निकाल लेना चाहिए? पारुल जी देखिए बिल्कुल सही है, हम तो बराबर सरकार की कोशिश रही है, सरकार की मंशा भी है कि जो भी किसान साथी हैं, किसान मित्र हैं,
वो संवाद करें और संवाद करने की कोशिश करें। एक तरफ तो ये गाली देते हैं, एक तरफ भला बुरा कहते हैं, एक तरफ विरोधी पार्टियों का सहयोग लेते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां इनके मंच पे हैं, और दूसरी तरफ उसी सरकार से कहते हैं कि सरकार तीनों कानून वापस ले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस देश में, श्रवण जी भी कल को बड़े पदों पर आ सकते हैं, इस देश में कानून संसद के अंदर बनेगा कि रोड पे लाख लोग, 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाए और कानून बनाने लगेंगे, तो हमारे देश में सीरिया में क्या अंतर रहेगा, हमारे देश और अफगानिस्तान में क्या अंतर रहेगा? आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है? आप जनता के बीच जाइए, सरकार तो चाहती है कि आपकी सारी समस्या मिलके हम बैठ के सुलझाएं, लेकिन आपको नहीं है नफरत किसी व्यक्ति विशेष से, तो आप जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को तो रोक नहीं रहे। आप लोग पूरे देश में घूम घूम के बातें कह रहे हैं, हम लोग भी किसानों को लेके जो सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है आय दुगुनी करने की, हमारे साथी हमारे मित्र, हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं। इसमें कोई हमारी आपकी वैचारिक लड़ाई नहीं है, हम अपने देश को अच्छा बनाने की हमारी दृष्टि है, हम किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं, किसान अपने फसल को सही मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज भी आपके दरवाजे आपके लिए, सभी किसान साथियों के लिए सरकार का खुला हुआ है कि आपकी सरकार है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सब लोग को मिलकर अपने देश अपने समाज के लिए बेहतर करने की जरूरत है, और कहीं कोई गलती हम में भी दिख रही है तो हम उस गलती को सुधारने को तैयार हैं। किसान साथियों को भी चाहिए कि अपने अंदर की भी कोई भूमिका देखें, और अगर उनके पास कोई लगता है कि ये गलत है तो सुधारें। हमेशा 100% मैं गलत नहीं हो सकता और 100% आप गलत नहीं है। क्या संदीप जी कह रहे हैं, अगर कोई गलती है तो सुधारने की कोशिश करेंगे, इसका समाधान कर सकते हैं। पारुल जी, आय दुगनी की बात की संदीप जी ने, आय दुगनी आप बताइए किस, इस वक्त उत्तर प्रदेश की, मैं अयोध्या से आता हूं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आराम नाम की लूट के काम किए हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में सरकारी लेबियां बंद हैं, FCI का भंडारण बंद है, आप बताइए आय दुगनी की बात करते हैं, जो सरकार कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी, आज 2.5 बताइए आप, आज इकोनॉमी आप देख रहे हैं देश की GDP मौजूदा सरकार क्योंकि झूठे वादे किए, आप बताइए ऐसी कोई केवल ब्रांडिंग के जरिए आप 5 किलो राशन देते हैं, जबकि हमारे घर में कोटे भी हैं, हमारे यहाँ के कोटे, आप बताइए उसमें राशन में सड़ा चावल गेहूं, आप बताइए ब्रांडिंग इतना अच्छा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ने देश की जनता को पारुल जी गुमराह करने के लिए, इतना बढ़िया बैग की पैकेजिंग की है, मार्केटिंग का कोई भारतीय जनता पार्टी, आप जो बात कह रहे हैं अगर ये हो रहा होता तो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती, आपको ये लगता है? देखिए हम लोग झूठ बोले तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए, हम सिर्फ विरोध के नाम पे अगर विरोध करेंगे तो ठीक नहीं है। संदीप जी देखिए, चुनी हुई सरकार को, ये भारत में एक विषय, श्रवण भाई सुनिए ना, आप मित्र हैं, कि चुनी हुई सरकार में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमें अपनी सरकारों को मजबूत करना चाहिए, अगर आप सरकार को कमजोर करते हैं तो जाने अनजाने में आपको पता नहीं आप देश को कमजोर कर रहे हैं। इस देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चुनी हुई सरकार बेहतर काम नहीं करेगी, जनता उसको उखाड़ फेंकेगी, यहाँ तो किसी की हिस्सेदारी किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो जनता ने जिसको वोट दिया उसकी बनती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ठेकेदारी किसी की नहीं बनती, मैं कहूं कि मैं इस देश का ठेकेदार हूं नहीं बनता, मैं कहूं मैं हिंदू का ठेकेदार हूं नहीं बनता, आप कहें मैं किसान का ठेकेदार हूं नहीं बनता, क्योंकि ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति देख लीजिए, सबके अलग अलग विचार है, मेरे घर में 5 लोग और 5 के अलग विचार है, तो सबको समाहित करके और सबको राष्ट्रवाद की और विकास की अलग अलग सबकी अवधारणा है, 5 अपने परिवार में श्रवण जी अपने माँ बाप भाई बहन के साथ बैठ के बात करें तो उनके सबके विकास के अलग अलग धारणा है, सबकी अलग अलग दृष्टि है, तो हम अपनी दृष्टि किसी ठीक है, ठीक है संदीप जी, तौर पे ये बात कर रहा हूं, आपकी बात सुन ली, आपके पास आऊंगी, आपकी ऊर्जा का मैं सम्मान कर रहा हूं, ठीक है संदीप जी आपके पास आऊंगी, बहुत देर से जावेद खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी देखिए, कल वाराणसी में प्रियंका गांधी ने रैली की और उसका 24 घंटे पहले रैली का नाम बदल दिया गया, किसान न्याय रैली, तो क्या ये लखीमपुर खीरी की हिंसा जो हुई थी उसके जिक्र किए बिना नहीं हो सकती थी ये रैली, उसके बिना नहीं हो सकती थी? नहीं देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां होती है, आपने सही कहा, हमने नाम बदला है, हमने पहले उस अपनी यात्रा का नाम प्रतिज्ञा यात्रा किया था और उसमें जो हमारा स्लोगन था कि वचन हम निभाएंगे, तो वचन तो आज भी हमारा वही स्लोगन है कि वचन हम निभाएंगे, किसान न्याय यात्रा हमने उसको किया, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तमाम राजनीतिक आंदोलनों में तमाम नाम परिवर्तित हुए हैं, तमाम नाम परिवर्तन के बाद तमाम परिवर्तन भी आए हैं,
तो इसको कोई अन्यथा लेने की या उसमें किसी राजनीति को ढूंढने की, देखिए राजनीतिक दल राजनीति ही करेगा। और अभी हमारे मित्र संदीप जी कह रहे थे कि राष्ट्र के विकास की अवधारणा अलग अलग नहीं होती, राष्ट्र के विकास की अवधारणा, उसकी सीमाओं की सुरक्षा की सोच, उसकी आंतरिक सुरक्षा की सोच और बाह्य संबंध जो हमारा विदेश विभाग है वो करता है, ये हमारे देश के अंदर 1947 से लेकर आजादी के बाद आज तक नहीं बदली, लेकिन उसको लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा है जिसके घातक परिणाम भी हमारे सामने आए। हमारी विदेश नीति में क्या है, हेलो जी जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज जावेद जी। हाँ इको बहुत हो रहा है, तो जो जिस तरीके से आज हमारे पड़ोसी राष्ट्र हमारे शत्रु के रूप में खड़े, नेपाल जैसा राष्ट्र जिससे हमारे रोटी बेटी के रिश्ते थे, जिससे हमारे इतने अच्छे संबंध थे, आज वो आतंकवादियों का और हवाला फंडिंग का हब बन गया है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आज पाकिस्तान वहां से देश के अंदर हवाला फंडिंग कर रहा है, किस लिए कर रहा है ये हम आप सब जानते हैं। किस तरीके से इस देश के अंदर कट्टरपंथी ताकतें अपना सर उठा रही है, हमारे देश की अस्मिता और अखंडता को खंडित करने का एक असफल प्रयास निरंतर कर रही, हमारे भाइयों का खून बह रहा है, वो कश्मीर में ही नहीं बह रहा पूरे देश में बह रहा है, और इसके पीछे सरकार हाथ पर हाथ रखकर अगर बैठी रहेगी तो क्या हम ये कहकर छोड़ दें कि हम सत्ता में नहीं है? देश के नागरिक अगर सवाल पूछते हैं, बुद्धिजीवी अगर सवाल पूछते हैं, तो उसको तत्काल उनको देशद्रोही घोषित करने का काम किया जाता है। विदेशों में बसे भारतीयों को इकट्ठा करके तालियां बजा लेने से हमारी विदेश नीति मजबूत होने नहीं जा रही। हमें अफगानिस्तान में क्या मिला? अमेरिका के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22,000 करोड़ का निवेश कर दिया और हासिल क्या हुआ कि भारत के अंदर डिबेट भारतीय जनता पार्टी अपनी एडवाइजरी के बल पर तालिबान और मुसलमान पर कराती रह गई और सरकार के मंत्री पर्दे के पीछे तालिबान के दूत से अमेरिका में गुफ्तगू करते रहे। ये जो दोहरा चरित्र है हमारा जो नया पैदा हुआ है, इसने हमारे देश की एकता की अवधारणा को कमजोर करने का काम किया है। आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप क्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन संदीप जी मैं एक बात को मानता हूँ, मैं भी इसी देश का DNA हूँ, हमारे पुरखे भी इसी देश के थे, हम कहीं बाहर से नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा सदैव कि अल्पकालिक राजनीति अल्पकालिक धर्म है, और अगर इस देश को बनाना है, ये देश विश्व का एक लौता देश है, धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। आपने धर्म के रास्ते को पथ भ्रष्ट करके आप राजनीति में आगे जरूर बढ़ गए, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। अगर आप बताइए कांग्रेस ने 2014 में 2.86 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी थी, आज 7 वर्षों के शासनकाल में 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का आप ढिंढोरा पीटते रहे, ढोल बजाते रहे, आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है? आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, आप पहले ये बता देते कि उसकी आय कितनी है, लेकिन हम बता रहे हैं कि क्या हुआ किसानों के साथ और देश के शहरी लोगों के साथ भी, आम आदमी के साथ भी। इस देश में जमाखोरी के खिलाफ कानून था, आपने कृषि बिल की आड़ में जमाखोरी को कानूनी दर्जा दे दिया। कृषि अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के अनुसार राज्यों में अलग अलग प्रकार से होती है, राज्य के विषय को आपने हथिया लेने का काम किया। आपने उत्तर प्रदेश देश के किसानों को सबसे महंगी बिजली किसके शासन में मिल रही है? जो कंपनियों को बिजली सप्लाई करने का काम उत्तर प्रदेश ने दिया, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं कर रही। सीमांत किसानों को 68,000 रुपए का सिंचाई के नलकूप के लिए सब्सिडी मिलती थी, 4.5 वर्षों में योगी जी के सत्ता में आते वो बंद हो गए। जावेद जी आपकी सभी बातें, जावेद जी आपकी सभी बातें सुन ली हैं और संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। सब्सिडी आप अपने मित्रों को दे रहे हैं, ठीक है जावेद जी, आप सुन लीजिए जरा संदीप जी को भी। आप लगातार जो है झूठ पर झूठ बोलेंगे तो कांग्रेस अपने नैतिक कर्तव्यों का, अपने राजनैतिक कर्तव्यों का देश के हित में उपयोग करेगी। और जिस तरीके से प्रियंका जी सड़क पर आए, जिस तरीके से वो सत्य के आग्रह के साथ असत्याग्रहियों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है, वह संघर्ष आपके लिए भी चेतावनी है और देश के उन राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है जो वादा करके वादा खिलाफी करते हैं किसानों से भी, आम जनमानस से भी। तो ऐसी वादा खिलाफी से तौबा कर लीजिए जावेद जी। ठीक है, बोलिए संदीप जी।
पारुल जी देखिए हमारे जावेद भाई हैं, विषय पे जिस विषय पे हम चर्चा करते हैं, जितने डिबेट रखते हैं उस विषय पे कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने बाकी सारे विषय को एक अर्थव्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी विषयों पे उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जावेद भाई कि अच्छी बात है आपने बेहतर सरकार चलाई होगी, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी थी, और मैं मनमोहन सिंह जी सोनिया जी या किसी को खिलाफ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 10 जो मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जब से बने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। कोविड काल रहा जरूर, पूरे विश्व की स्थिति थोड़ी खराब रही, उसमें भारत भी अछूता नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी भारत सीना तान के खड़ा है। आपने बात करी पड़ोसी देश हमसे, पहली बात आपकी आई थी कि पड़ोसी देश हमारे से ना खुश हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जरा आप मजबूत हो जाइए अपने घर में, है ना, और देखिए आपके पड़ोसी आपसे खुश रहते हैं कि आपसे दुखी हो जाते हैं। गांव में आप जिस गांव में रहते होंगे आप अपना अच्छा घर और बना लीजिए और अच्छे से रहने लगिए, देखिए आपके पड़ोसी आपसे जलन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पड़ोसी अगर भारत से जल रहे हैं तो भारत मजबूत हो रहा है, इसको स्वीकार करिए। और भारत की मजबूती विश्व के पटल पे, विश्व के अनेक देशों में रहने वाले हमारे भारतीय से पूछिए वो बताएंगे कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से अपने को विश्व के पटल पे स्थापित किया। दूसरी बड़ी बात, देखिए हम बुराई करने देंगे, आप हम में 100 बुराई ढूंढ सकते हैं, मैं आपको में 100 बुराई ढूंढ सकता हूं, कांग्रेस बुराई करके वापस सत्ता में नहीं आ सकती। अगर आप सोच रहे हैं जावेद भाई कि जितने कांग्रेस के लोग हैं मोदी जी की बुराई करें, योगी जी की बुराई करें, अमित शाह जी की बुराई करें, उनको भला बुरा कहें, गंदा कहें, एक मेरे मित्र श्रवण भाई ने तो बहुत बुरी बात कही, लेकिन मैंने उन सबका जवाब मैं ऐसे ही देना चाहता हूँ, आप अच्छा करने की आप भी कोशिश करिए, आप विपक्ष में हैं, हम सब लोग को मिलकर इस समय देश के लिए अच्छा करने की आवश्यकता है, और जब तक सबकी भागीदारी इस देश के लिए सुनिश्चित नहीं होगी, एक व्यक्ति अच्छा घर बनाए जी, आपको यहाँ पर संदीप जी में लग जाएगा। संदीप जी आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस को लेकर जो भी बात कर रहे हैं आप, देखिए प्रियंका गांधी आजकल काफी सुर्खियों में है, वो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया वहां पर गई, कल वाराणसी में उन्होंने ये रैली की, तो क्या बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आ गई है, इसीलिए प्रियंका गांधी को इतना मौका मिल गया है? देखिए मैं बात कहूँ, प्रियंका जी देश की बेटी हैं और इस समय नवरात्र चल रहा है, तो मैं प्रियंका जी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा नवरात्र, और मैं इस तरह की राजनीति को बढ़ावा भी नहीं देता कि मैं प्रियंका गांधी को भला बुरा कहूँ। मैं कांग्रेस को जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने लेके जो कांग्रेस ने प्रियंका जी को लेके जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ किसान मरे हैं, दूसरी तरफ किसानों ने ही मारा है, तो दोनों किसान है, किसान को किसान से लड़वाना अच्छी बात नहीं, किसी भी परिवार में दुख आया उस दुख में राजनीति करना अच्छी बात नहीं। हम सब लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का दर्द समझना चाहिए, अगर राजनीति में राजनीति करने वाले लोग आम जनता का दर्द नहीं महसूस करेंगे और दर्द को दर्द से बांटेंगे नहीं, दर्द नहीं बांटेंगे और दर्द पे मरहम लगाने के बाद बजाय उसमें नमक मिर्च लगाएंगे और उसको लेके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक अनुभव की कमी दिखती है। कांग्रेस के पास और बहुत ढेर सारे मुद्दे हो सकते थे, आज किसानों के जिस मुद्दे पे कांग्रेस रोटी सेकने का काम कर रही है, बहुत साल पहले भी हम लोग की तरफ से हुआ कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, आज कांग्रेस खुल के मुखर होके आ गई, जब किसान का आंदोलन नहीं चल पाया या किसानों के नाम पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अब क्या है कि लाठी डंडों का ये देश नहीं है, ये गांधी जी के मानने वाले लोगों का देश है और कांग्रेस तो गांधी जी को मानती है, तो यहाँ बुरा ना देखना, बुरा ना कहना, बुरा ना सुनना, स्वयं में अपने जो कमियां उसका अवलोकन करके और उस कमियों को दूर करना, ये गांधीवाद है और इस गांधीवाद को भारत ने अपनाया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनाया। हमारी सरकार की कमियां हैं, हो सकती हैं, आप बताइए उस कमियों को ये सरकार दूर करके और मजबूत बन के आएगी, उसको अवसर किसी और को नहीं देगी। और पारुल जी विश्वास मानिए इसी का नतीजा है कि विपक्ष के पास आज सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं है। जावेद भाई बड़ी बड़ी बातें जरूर कहते हैं, मोदी जी को गाली आप दे सकते हैं, योगी जी को गाली दे सकते हैं, गाली देने के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी स्वयं की भी विवेचना है, ये भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, श्रवण भाई को भी अधिकार देता है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है और सरकार बेहतर काम कर रही है इसलिए विपक्ष हर रणनीति में फेल हो रहा है। चलिए ठीक है संदीप जी, अगर आपको संदीप जी अगर आपको तथ्यों पे बताया जाए तो आपको गाली लगती है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की वो बात है। अरे आप सम्मानित बैठी वहां, नहीं नहीं आप नहीं बताइए, अगर आपको अगर सही बात अगर फैक्ट में बात कर दी जाए तो आपको गाली मतलब दूसरे को मतलब कमजोर करने पॉलिस नहीं नहीं पॉलिस नहीं सुनिए सुनिए पॉलिस पॉलिस बहुत अच्छा मार्ग है। ये भी पॉलिस मुझे
मुझे नहीं लग सकता। तरुण भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, हो सकता है आपको मेरी ड्रेस पसंद ना हो सकता है पारुल जी बैठी हैं, मुझे मुझे पारुल जी पसंद ना हो, पारुल जी को मैं पसंद ना हो, श्रवण जी न पसंद हो, तो हम लोग बाहर घूम के फैशन शो में नहीं बैठे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कर। और ये लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक देश में सबकी समस्याएं हैं। आपने सुप्रीम, देखिए किसान भाई को क्या चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई, कमेटी को आप नहीं, मोदी जी आपको मोदी जी से दुश्मनी है ना, मोदी से घृणा नहीं, नहीं दुश्मनी नहीं, नहीं नहीं घृणा नहीं, सुनिए 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 सुनिए, घृणा नहीं है ये, गलत चीज, संदीप जी गलत चीज है, घृणा नहीं, संदीप जी जरा सुन लीजिए, बोलने दीजिए श्रवण जी को, सुन लीजिए, पूछा जाएगा सत्ता से सवाल पूछा जाएगा, सत्ता बैठी हुई है इसी सरकार के शासन काल में, आप बताइए, एक लाइन में कहना चाहता हूं संदीप जी, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राज पुरुष नाकारा है, और जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। आप बताइए किसान का रक्त बह रहा है, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, और संदीप जी आपके प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते हैं, अदानी अंबानी के अगर घर में कोई खुशियां मनाने तो उस पर ट्वीट चला जाता है, जापान के प्रधानमंत्री उनको जापानी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी उनको बधाई दे दी जाती है, आखिर देश का ही किसान है संदीप जी, मोदी जी को थोड़ा आप ज्ञान दीजिए कि देश के किसान है, देश के पालनहार है। आप जिस किसानों की बात करते थे, ब्रांडिंग आप किए थे, नहीं किसानों पे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो सबसे बड़ी अत्याचारी सरकार है, सबसे बड़ी अत्याचारी सरकार संदीप जी आप जी, श्रवण जी जितनी नाराजगी आप बीजेपी से दिखा रहे हैं वो ठीक है, किसानों की नाराजगी है बीजेपी से, लेकिन आपको नहीं, पारुल जी नहीं, पारुल नहीं सुनिए, आप भी प्रमुख नहीं, श्रवण जी पहले सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर बताइए, पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विपक्ष आपके इस आंदोलन का साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, और ये आंदोलन किसी और दिशा में जा रहा है, नाराजगी आपकी बीजेपी से है, और मौका विपक्ष को मिल रहा है पूरी राजनीति करने का, आपको साफ दिल से बताइएगा बिल्कुल, के पहले दिन से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ क्या आज भी ये वही है, किसी और दिशा में नहीं गया, ट्रैक से नहीं हटा? पारुल जी किसान आंदोलन पूर्णतः अपनी सही दिशा में है, और हमारी वही है जो मोदी जी कहते हैं ना, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो हम कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटेड कानून बना दीजिए, आप अगर कोई खरीदता भी व्यापारी तो वो कोर्ट में पहुंचे वो चीजें ठीक है, मौजूदा हमारा जो आंदोलन है पारुल जी ये बहुत सही ढंग से, हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, समर्थन, अब आप बताइए लड़ाई दो जगह होती है तो समर्थन पड़ोसी भी, जैसे बहुत बढ़िया पॉलिश मार के हमारे संदीप भाई जी बढ़िया से एकदम पूरा पॉलिश ऐसे तैयार करके लाया, जैसे ये चावल नहीं होता है उसको पॉलिश करके चमका दिया जाता है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी परेशान है, आप बताइए जनता त्राहिमाम कर रही है पारुण जी, आप महंगाई, यही सरकार महंगाई पे बात करती थी, यही सरकार, आप बताइए इससे पहले विजय गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के वो बैगन और मूली लेके आंदोलन करते थे, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके आंदोलन करती थी, आखिर सत्ता के भूखे नहीं है तो और क्या है, सत्ता की रोटी सेंकने के लिए कितनों का खून बहाइएगा संदीप जी, लड़ने जा रहा हूँ, महंगाई है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, हम विपक्ष में होते थे तो हम भी सरकार को घेरते थे तरह तरह के मुद्दों पे, आज हम थोड़ी कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष आंदोलन न करें, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं विपक्ष आंदोलन न करें, हम तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं जनता के बीच कि सरकार के सामने ये कोविड काल था, कोविड काल में सरकार अपनी नीतियों के अंतर्गत जितना उसको करना था बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाई, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश है, और स्वीकार करने से व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन हमारे देश की जनता ने सरकार का साथ दिया है और देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है कदम से कदम मिलाके, और सरकार जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है। सुरन भाई देखिए कमियां हर व्यक्ति विशेष में हो सकती है, व्यक्ति विशेष को अगर हम टारगेट करके कुछ भी करेंगे पारुल जी तो वो ठीक है, आप बुराई करने का आपको हक है, आप बुरा देखिए बुराई करते रहिए, लेकिन आज का जो दौर है वो ये है कि देश के लिए सबको मिलके काम करना है, सबको आगे बढ़ के देश को थामना है, क्योंकि हम लोग काफी कोविड काल में देश की जो विकास दर जितनी अनुमान थी उस हिसाब से हम नहीं बढ़ पाए हैं, और सबकी हिस्सेदारी से ये संभव हो पाएगा कि हम लोग अपने भारत को और बेहतर बना पाएंगे। दूसरा, हमें आपस में घर में लड़ना झगड़ना
ये आम बात है, ये लड़ाई होती रहेगी। आप राजनीति करनी है तो आप हमें घेरिए, विपक्ष का काम है वो आप ईमानदारी से करिए, हम आपके काम को नहीं रोक रहे हैं। हम हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार चाहती है कि न्याय की सिर्फ सरकार बात न करे, सरकार से न्याय होता हुआ दिखे, और इस कोशिश में सरकार सफल रही है। और कहीं कहीं जो अधिकारी जो ऑफिसर्स गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है। संदीप जी, संदीप जी, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाए। संदीप जी, बार बार आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप न्याय की बात करते हैं, तमाम बीजेपी नेता हैं जो इस चीज को कह रहे हैं। पिछले 3 तारीख के बाद से यही बीजेपी नेताओं के मुंह से सुना जा रहा है कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। जब कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, तो फिर दिल्ली में किस बात का मंथन चल रहा है? क्यों बार बार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है बीजेपी के? देखिए, एक घर में जो आप घर की अगर मालकिन हो या मालिक हो तो आप ये समझ सकती हैं कि घर चलाने में सबकी भूमिका होती है, और अगर किसी की भूमिका में और बेहतर उसको करना है, उसको सजाना है, संवारना है, तो घर का मुखिया का काम है कि अपने साथी लोगों को सजाए और संवारे। और यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है, क्योंकि सबके समान अवसर सबको मिले और सबकी भागीदारी हो, और सरकार भागीदारी से चलती है, जन भागीदारी से चलती है, जन सरोकार से चलती है। और हमारी कोशिश है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हमेशा कोशिश रही है, और ये अभी जो लोग भी संगठन में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में, उनकी कोशिश रहती है कि सारे काम जन सरोकार के, जन भागीदारी से हो और सबकी सामूहिक निर्णय से हो, ताकि और मजबूत हो। हमें लोकतंत्र को, हम सब लोग को मिलकर मजबूत करना है। हम लोग व्यक्तिगत अगर मजबूती की बात करते हैं तो उसके लिए अखिलेश जी की पार्टी है, उसके लिए सोनिया जी की पार्टी है, उसकी मायावती जी की पार्टी है, यहाँ एक ही व्यक्ति की चलती रहती है। तो ये बड़ी पार्टी है, अच्छी राजनीतिक पार्टी है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई किसी परिवार का व्यक्ति नहीं है कि वो रहेगा उसके बाद वही होगा, उसका बेटा होगा। तो इस तरह की पार्टी भारत में बन गई है, और इसमें हम सबको श्रेय लेना चाहिए। इसलिए कि कोई भी हम लोकतंत्र, बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे पारुल जी, तो उससे हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर मजबूत होता है तो हमारी भी भागीदारी कल को बढ़ेगी, हम भी एक मजबूत लोकतंत्र के नागरिक होंगे, खंभे होंगे, हिस्सेदारी हमारी बढ़ेगी। तो ये आवश्यक है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि न्याय देना और दिखना, दोनों में काफी अंतर है। न्याय दिखना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी, किसी भी सरकार की, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की हो, यूपी में हमारी हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की। हमें न्याय की बात करने से लोगों को न्याय नहीं मिलता, भूख की बात करने से लोगों के पेट नहीं भरते, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। चलिए, ठीक ठीक है संदीप जी, संदीप जी ठीक है, बहुत देर से जावेद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में, बोलिए। देखिए, हमारे मित्र संदीप जी जो बात कह रहे थे, बड़ी अच्छी बातें थी, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है और कहना भी चाहिए। संदीप जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का व्यक्तिगत वैचारिक विरोध, और वो विरोध हमेशा रहेगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने उस वैचारिक विरोध को कभी भी दरकिनार करके, क्या राष्ट्र के मुखिया के रूप में कभी विपक्षी दलों के साथ कोई संवाद का प्रयास किया है? कभी किया हो बता दीजिए। ये कांग्रेस के अंदर क्षमता थी, ये कांग्रेस का दम था कि कोई भी मामला होता था तो विपक्ष से संवाद करता था, और समय ऐसा आया कि देश के एक बहुत बड़े नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी को भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। तो ये सब चीजें अच्छी बात होती है और होना भी चाहिए ये लोकतंत्र में। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, लेकिन न्याय दिख तो कहीं नहीं रहा ना। अगर न्याय दिख रहा होता संदीप जी, देखिए, जहां पर ट्रेजरी का सवाल है, अपोजिशन का सवाल है, हम सब जनता के मत से चुनकर जाते हैं, जनादेश सबको हम सिरोधार करते हैं। जब अगर न्याय मिल रहा होता, आरोपियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाता, तो उम्भा में भी न्याय हो जाता, उन्नाव में भी न्याय हो जाता, और वो न्याय अदालत के आदेश पर किस परिस्थितियों में हुआ है ये पूरे देश ने देखा, पत्रकारों ने दिखाया, हाथरस में किस तरीके से प्रियंका जी के ऊपर योगी जी की पुलिस ने हाथ डाला। मैं गाली बकने में विश्वास नहीं रखता, अपनी बात को रखने में मेरा भरोसा है, लेकिन एक आक्रोश भी होता है संदीप जी, आपके मन में भी आक्रोश कभी आता होगा, आप भी आक्रोशित होते होंगे कि व्यवस्था इस तरीके की हो गई। हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना था वो आप देख रहे हैं किस तरीके का हो गया। हम लोग क्या खाली राजनीति करेंगे, देश के लिए कब सोचेंगे? हमारा मानक इतना संकीर्ण क्यों होता जा रहा है कि हम जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को राष्ट्रद्रोही बताने पर तुले हुए हैं,
और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज करके हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? अगर आपने क्यों हाथरस में बेटी को कलंकित किया, पत्रकारों पर हाथ डाला सबके ऊपर, अरे ये पीड़ा जो है किसको नहीं थी? अगर पीड़ा नहीं थी तो यही कहना पड़ता है कि क्या। चलिए ठीक है जावेद जी आपको यही रोकूंगी। जावेद जी माफी चाहूंगी, समय नहीं है मेरे पास, समय खत्म हो गया, आपको यहीं पर रोकूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में अब लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर पूरी तरह से राजनीति अब भी जारी है और पूरी तरह से यूपी सियासत की आग में अब भी जल रहा है। हालांकि लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि लखीमपुर खीरी की हिंसा जो भी हुई थी उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।